हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए, वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? रेडियस और हाइट चाहिए, ठीक है, सिलेंडर का। तो रेडियस निकालने के लिए आपको डायमीटर से निकल जाएगा और हाइट आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं पहले आप कि गिवन दैट डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन गिवन एज 22 सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं, सो निकल जाएगा रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू हो जाएगा इसका आधा, मीन्स आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाइट, एंड हाइट भी दिया हुआ है यहाँ पर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। अब निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 21 का स्क्वायर इंटू एच, एच मीन्स 10। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, मीन्स लिखेंगे 21 इंटू 21 इंटू 10, 7 और 7 3 21। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 ये दोनों को, और इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये मिल जाएगा 210। मतलब कि 66 में जो है 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 1 6, फिर ऐसे ऐसे करिए, तो 6 2 12 एंड 6 1 6, 12 एंड 6 18, 18 का 8 हो गया, 1 कैरी ओवर, और 6 2 12, 12 एंड 1 13, मतलब इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो मिलेगा आपको 1386। और एक जीरो बढ़ेगा ये भी, मतलब कि 13860 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, रिक्वायर्ड सिलेंडर नहीं, बल्कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।